मेरे नैन नक्श क्यों बदल रहे हैं? पता वो शालिग्राम कहाँ है? एक पत्थर ने आपको कितना पागल बना दिया है ना? सच कहते हैं लोग, जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है ना, तब उसके दिमाग पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। होश खो बैठता है, कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, फिर चोट खाता है और फिर हार जाता है। जैसे आज आप हार गई। सावित्री माँ को मारना चाहती थी ना, देखा भगवान का इंसाफ, देखा भेज दिया ना बचाने वाले को, और मारने वाले की हालत देखिए। कितनी बार हारेंगी आप? सबक नहीं सीखती? सबक तो मैं तुझे सिखाऊंगी। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप जीतेंगी नहीं। अगर आपको शालिग्राम मिल भी गया, फिर भी आप नहीं जीतेंगी। बकवास बंद कर गौरी। तू मुझे शालिग्राम के बारे में बताने वाली थी? हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बर्बाद कर रही है तू। फिर से कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो कर दे, शालिग्राम लाके दे दे मुझे, वरना मैं राज के हाथों दोबारा गुनाह करवाऊंगी। वही करवाऊंगी जो जो तू नहीं चाहती। तू जा, जा जाके मुझे शालिग्राम दे दे, जा। बता, बता मुझे, बता शालिग्राम का एक ढूंढ ले। ताई जी, गौरी भाभी, भाभी, ताई जी। क्या हुआ निशा, तुम इतनी टेंस क्यों हो? सावित्री पुलिस स्टेशन से भाग गई। अभी अभी नीचे पुलिस का फोन आया था, और ताऊ जी आपको जल्दी से नीचे बुला रहे हैं, प्लीज चलिए। हाँ चल। वो मददगार जिसने मेरी इतनी मदद की, क्यों कर रहा है? पहले मेरी जान बचाई, फिर सावित्री माँ की, आखिर वो है कौन? उसका तो मैं बाद में पता लगाऊंगी, पर अभी मुझे शालिग्राम तक पहुंचना है। अगर शालिग्राम में इतनी ही शक्ति है जो कालासुर को अमर कर सकती है, तो फिर तो वो शक्ति मेरे राज को भी ठीक कर सकती है। तो अब मुझे शालिग्राम तो ढूंढना है, पर मेरे राज के लिए। एक सेकंड, मतलब क्या आपका कहने का? कैसे शांत रहो? डैड 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 काम डाउन, रिलैक्स हो जाइए। देख लिया तुमने, बहुत विश्वास करी थी ना सौरभ के ऊपर। पहले उसने मुझे बेवकूफ बनाया, उसका पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर चकमा देकर पुलिस स्टेशन से भाग गई, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी मनगढ़ंत कहानियों का कोई नहीं मानने वाला है, तो रफू चक्कर हो गई। पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात गौरी को बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारी बात समझेगी ही नहीं। ये सावित्री को ही ट्रस्ट करती है और उसी की तरफ है। इसे अपने आंखों से नहीं देखा ना कि सालों पहले सावित्री ने क्या किया था। अब जब सावित्री के हाथों कोई हादसा हो जाएगा, कोई खून हो जाएगा, तभी इसे समझ में आएगा। गौरी हमारी फैमिली में पहले ही बहुत जानी गई है, और इसके चलते तो और भी जान जा सकती है, शायद मेरी जान जा सकती है। फिर तू समझेगी कि मैं सच बोल रही थी। उमा प्लीज, प्लीज ऐसे मत बोलो बेटा, वो एक गलत औरत है, और मुझे लगता है कि उस औरत पर भरोसा करके तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, और मुझे डर है कि तेरी गलती मेरे परिवार पर भारी न पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैडी ऐसी है, इसे बात करने का कोई फायदा नहीं, ऐसे आदत पड़ चुकी है गलतियां करने की। मुझे किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना है, ताकि मैं शालिग्राम को ढूंढने जा सकूं, एंड आई थिंक यही सही मौका है। बस कर। नहीं पापा जी, बोलने दो इसे, आज इसे बोलने दीजिए, कल शायद बोलने के लिए मैं रहूं ना रहूं। तुम्हें लगता है मैं गलत हूं ना, देन फाइन, प्रूव मी रॉन्ग, लेकिन ये मत समझना कि जब तक तुम मुझे गलत साबित करो मैं इस घर में बैठी रहूंगी और अपनी इंसल्ट सहती रहूंगी। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी लाइफ है। गौरी, ये क्या तरीका अपनी फैमिली वालों से बात करने का? अपनी फैमिली, ये है अपनी फैमिली? अपना हस्बैंड मुझसे कुछ भी बोले तो ये गलत नहीं, अगर मैं कुछ करूं तो मैं गलत? वाओ, नहीं पापा जी, रिश्तों में इक्वालिटी होनी चाहिए, इन इक्वालिटी नहीं। इसलिए जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कौन सही है कौन गलत, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती।
हाँ पापा जी, मैं सही कह रही हूँ। पहले इस घर में बहुत सारी जान जा चुकी है, पहले अमन, फिर मेरी बहन, फिर मेरे पापा। इससे पहले कि और किसी की जान जाए और ब्लेम मुझ पर आए, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। चोट लगी है और आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? चोट तो तुझे लगी है, लेकिन ठाकुरों के खानदान को दर्द कोई और ही दे गया। उसे पता नहीं कि मुझे पता है कि वो घर छोड़ के क्यों गई है। कौन? गौरी। सबको यही लगता है कि वो घर छोड़ के चली गई है। अरे झगड़ा करके घर छोड़ के जाना तो एक बहाना था। गौरी शालिग्राम ढूंढने गई है और बहुत जल्द वो शालिग्राम हमारे हाथ में होगा। सॉरी टू बस्ट योर मोतीचूर का लड्डू, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इतनी कोशिशों के बाद भी जो शालिग्राम गौरी ने काला सुर को नहीं दिया, आपने ऐसा क्या कह दिया कि वो इतनी आसानी से मान गई आपको शालिग्राम देने के लिए? अरे गौरी के पास और कोई रास्ता नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार। जैसे ही शालिग्राम मेरे हाथ में आ जाएगा, पूरे ठाकुरों के खानदान को मैं मिटा दूंगी और गौरी गौरी बस देखती रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकेगी वो। गौरी तुम ये कैसे कर सकती हो? वो शालिग्राम उमा को कैसे? इतने सालों से, इतने बरसों से तुम्हारा परिवार उसकी रक्षा कर रहा है। उमा के लिए नहीं, वो शालिग्राम मुझे चाहिए। तुम्हें? तुम्हें क्यों चाहिए? राज के लिए। धर्म, अगर वो शालिग्राम कालासुर को जिंदा कर सकता है तो फिर वो राज को भी ठीक कर सकता है। उतनी शक्ति है उसमें, इसलिए वो शालिग्राम मुझे राज के लिए चाहिए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं धर्म, तुम सावित्री माँ का ध्यान रखो, उनके साथ रहो। तुम उनकी टेंशन मत लो, वो मेरे घर पर है और वहाँ पे अवनी भी उनका कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर सावित्री माँ सेफ है, तो फिर तुम मेरा एक और काम कर सकते हो। हाँ बोलो। अब वो उमा के पास कुछ अजीब सा रिमोट कंट्रोल टाइप पत्थर है। धर्म, तुम कैसे भी करके उस रिमोट को डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ गौरी, मैं कर दूंगा, लेकिन उमा के हिसाब से शालिग्राम तुम उनके लिए लेने जा रही हो। लाने के बाद अगर तुमने उसे नहीं दिया तो मैं कुछ भी करूंगी, पर वो शालिग्राम उमा के हाथ नहीं दूंगी। अगर वो शालिग्राम उमा के हाथ लग गया तो वो कालासुर को फिर से जिंदा कर देगी और फिर अनर्थ हो जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। इसका मतलब हमारे पास एक और बहुत बड़ा काम है, उस कालासुर के मृत शरीर को ढूंढ कर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, ताकि वो शालिग्राम उमा को मिल भी जाए तो कुछ ना कर पाए। हाँ धर्म, तब तक मैं उस शालिग्राम को ढूंढती हूँ। एक बार शालिग्राम मेरे हाथ लग जाए, फिर राज के अंदर वो जो काला सुर है उसका विनाश हो जाएगा और फिर राज फिर से पहले जैसा हो जाएगा। गौरी, मुझे डर सिर्फ इस बात का कि अगर वो शालिग्राम तुम्हारे हाथ लग गया तो वो लोग तुम पे हमला कर देंगे। मुझे कुछ नहीं होगा धर्म, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे बस एक चीज चाहिए।